अक्सर रात में जब आप सो रहे होते हो, आप परेशान होते हैं कि आज का भी दिन खराब कर दिया मैंने, आज की भी मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और ये सिलसिला पिछले 3-4 महीने से चल रहा है और अब नीट एग्जाम दस्तक दे रहा है, 5 महीने रह गए इस एग्जाम में, अब मैं क्या करूं। ये पैनिक का सिचुएशन जैसे आपके पास आता है, आप सर्च करने लगते हैं कि कैन आई क्रैक नीट एग्जाम इन 5 मंथ्स। आप रात में एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे और पहले ही दिन आपसे वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपको फिर से अगला गिल्ट नहीं आता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 सवाल बहुत क्लियर और बहुत दावे के साथ कहना। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि इफ यू कैन क्रैक नीट एग्जाम इन 5 मंथ्स, मेरा जवाब है हाँ। अगर ये पूछते हो कि क्या ये इजी है डिफिकल्ट है, मेरा जवाब है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और तीसरा सवाल अगर ये पूछोगे, सर मेरे सक्सीड होने के क्या चांसेस है, अगर आप जो स्टडी प्लान मैं आपको आज बताने वाला हूं उसको फॉलो करते हैं तो 100% चांस है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो 0% चांस है। बहुत सिंपल प्लेबुक होता है बेटा नीट एग्जाम का, इसमें कोई चमत्कारी चीज नहीं होती, कोई अननोन फैक्टर नहीं होता। अननोन फैक्टर ये हो सकता है कि आपका रैंक 1 आएगा या नहीं आएगा, थोड़ी किस्मत पे आ जाएगी। बट अगर हम बात करें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने की, हो सकता है आपका रैंक 100, 200, 300 भटक जाए थोड़ी खराब किस्मत की वजह से, बट इतना दावा है मेरा कि अगर आप आज से कंसिस्टेंटली रोज 10 घंटे पढ़ते हैं मेरे बताए हुए टाइम टेबल पे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप नीट एग्जाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक कर पाएंगे। बट ये 150 दिन आपसे कंसिस्टेंटली मेंटेन ही नहीं हो पाता है, इसी वजह से आप जीवन में फेल कर जाते हैं, इसी वजह से आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं। और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं करोगे और इसी तरह से आप एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम की तरफ भागते रहोगे, हल्का रास्ता चूज करोगे, तो जिंदगी के स्ट्रगल्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेरी एक कोशिश है, एक पहल है आपको सही रास्ते पे लाने की। अगर आप सिंसियरली दिल पे हाथ रख के ये बोलते हैं कि मैं सर अगले 150 दिन तक 10 घंटे रोज पढ़ने को तैयार हूं, कोई एक्सक्यूज नहीं, तो इस वीडियो को आप आगे देखिए। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ये दावा कर पाता हूं, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, और मैं आपको पूरा रिसोर्स लिस्ट प्ले बुक सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बट ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेटर अपना टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ कोई फेक मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा कि तुम कर सकते हो, तुम फोड़ दोगे, तुम पहाड़ पे चढ़ लोगे, सोए 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 कुछ नहीं होगा, तुम इसको फॉलो करोगे तभी कुछ होगा। तो मैं पहले नीट 2024 की प्लेबुक बना के आपको देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप समझना और खुद बताना कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो कि नहीं। ठीक, तो नीट 2024 प्लेबुक, ठीक है, आपके नीट एग्जाम में रह गए हैं 5 महीने, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बेसिक मैथ्स है समझ जाओगे, है ना। तो मान लो कि 150 दिन हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर इन 150 दिन में तुम रोज एवरेज 10 घंटे, मैं ये हो सकता है किसी दिन तुम 6 घंटे पढ़ो और किसी दिन तुम 15 घंटे ही पढ़ लो, ये हो सकता है, बट कोशिश करो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और एवरेज आप 10 घंटे पढ़ पाए, तो 100 डेज इज इक्वल टू, सॉरी 150 डेज इज इक्वल टू 1500 आवर्स। ठीक है सर। अब इसको मैं 3 चंक में डिवाइड करता हूं, कभी भी मैं जब ले पढ़ाता हूं तुम्हें तो 3 चंक में इसको डिवाइड करता हूं, एक 500 आवर्स का, एक 500 आवर्स का और एक 500 आवर्स का। ठीक है, पहला 500 आवर्स जो डेडिकेटेड होता है ये तुम्हारे क्लास लेक्चर के लिए डेडिकेटेड होता है, जो क्लासेस तुम करते हो, ठीक है। दूसरा 500 आवर्स जो डेडिकेटेड होता है ये तुम्हारा प्रैक्टिस, इसमें तुम्हारा क्लास का डीपीपी आ गया, डीपीपी का डिस्कशन आ गया, पीवाईक्यू आ गया, एग्जाम्पलर आ गया, या जो कोई और प्रैक्टिस तुम करते हो। और तीसरा जो 500 आवर्स आता है ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज का आता है, यही ब्रेकअप होता है बेटा आपके
एग्जाम क्रैक करने को, और ये बेयर मिनिमम आपको 650 प्लस मार्क्स देता है। अब तुम इस 1500 घंटे को 7 महीने में कंप्लीट करो, तुम इस 1500 घंटे को 1 साल में करो, तो तुम्हारा मेहनत उतना ही हो जाता है। तो अभी तुम इस कगार पे हो कि तुम्हें रोज 10 घंटे पढ़ना होगा विदाउट फेल। अब ये मैथ्स कैसे आया लेक्चर का बेटा, मैं वो भी तुमको समझाता हूं। तो अगर तुम बात करोगे एवरेज कि तुम्हें अगर फिजिक्स का लेक्चर लेक्चर की बात करो, अब क्या होता है कि तुम लोग मुझसे बोल लोगे अरे सर यहां तो 600 घंटे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। बेटा वो 600 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता, 600 घंटे में प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूडेड हो जाते हैं, वो क्लास में ही आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जिसका मैंने अलग से टाइम दिया है आपको। ठीक है, मैं सिर्फ लेक्चर लेक्चर की बात कर रहा हूं। तो लेक्चर लेक्चर में जो फिजिक्स होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 250 घंटे का होता है, 250 आवर्स। सबसे ज्यादा अगर मैं टाइम दूं फिजिक्स को तो लगभग 250 घंटे का फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री जो होता है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स का होता है, और बायोलॉजी अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स का होता है। अब अगेन इसमें मैंने बेटा तुम्हारे प्रैक्टिस वाले पोर्शंस को डाले हैं, थोड़े 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 प्रैक्टिस, तो मतलब यहां से तुम्हारा थोड़ा टाइम भी निकलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा मोटा मोटी ब्रेकअप होता है जो सिलेबस कंप्लीशन का। अब कोई थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा देगा, कोई थोड़ा कम पढ़ा देगा, और ये बैलेंस होता है तुम्हारे लेक्चर का जो ड्वेल होता है अभी। ठीक है, प्रैक्टिस में तुम्हारे क्या क्या करना होता है? प्रैक्टिस में तुमको PYQ करने होते हैं, एग्जेम्पलर करने होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चन बायो का, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का करना होता है। और रिवीजन तुम जितनी बार करो उतनी बार कम है, बट वैसे इस टाइम पीरियड में तुम 5 बार रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो और तुम्हारी प्लेबुक कंप्लीट हो जाती है। तो क्या फ्लो होता है सर, हमें कैसे पढ़ना होता है? तो हमें बस पढ़ना कुछ इस तरह से होता है बेटा, मैं फिर टाइम बाइफरकेशन भी बता दूंगा तुम्हें कि क्या टाइम बाइफरकेशन होता है। तुमने लेक्चर लगाया, ठीक है, उसके बाद तुमने जो भी DPP क्लास की मिली वो DPP किया, तुमने जो टॉपिक वाइज PYQ मिला तुम टॉपिक वाइज PYQ किया, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस चलता रहेगा, जहां इसके तुम्हारे डाउट आएंगे तुम ये डाउट को अपने क्लियर कर लोगे लेक्चर वापस देख के या टीचर से पूछ के। फिर उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा, तो तुम उसका एग्जाम ड्रिल करते हो। एग्जाम ड्रिल मतलब एक टेस्ट दे दिए, है ना, और ये पूरा तुम्हारा चैप्टर का प्लेबुक कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, मैं जो जनरली रेकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप एक दिन में 1 डे 2 सब्जेक्ट पढ़ो, और इसमें ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक चैप्टर ले लो तो एक रट्टाफिकेशन चैप्टर और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लो, कोई भी एक रट्टाफिकेशन टॉपिक लो और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लो, और एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, एवरेज लेक्चर ड्यूरेशन जो हो जाएगा तुम्हारा 4 आवर्स का हो जाएगा अगर तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो। ठीक है, जनरली बहुत जगह 3 3 सब्जेक्ट भी तुम्हें पढ़ा दिए जाते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि तुम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल एक रट्टाफिकेशन है, ताकि बैलेंस बना रहेगा, तुम बोर नहीं होगे। ठीक है, कर लिया सर। इसके बाद उसके बाद आपने 200 क्वेश्चन किए, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन रट्टाफिकेशन के और 100 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल के, 200 क्वेश्चन आपने पूरे दिन में किया, और उसके बाद आपका जो डाउट आया और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको आपने एक मिस्टेक नोटबुक में डाला और रात में सोते वक्त इसको रिवाइज किया और सो गया। सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को क्या करना चाहिए सर? संडे को आप क्या कीजिए सर, संडे आप रखिए
टेस्ट संडे आप रखिए अगर कोई आपका बैकलॉग रह गया, और संडे आप रखिए रिवीजन के लिए। तो अगर ये प्लेबुक तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा चैप्टर भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा साइमल्टेनियस रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद तुम कल को जब बार बार टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बाद में भी रिवीजन होता है। ठीक है, सेम पैटर्न को अगर मैं टाइम फ्रेम के फॉर्म में डिवाइड कर दूं, तो अगर देखो बहुत सिंपल, अगर हम प्लेबुक बनाते हैं कि तुम नाइट आउल हो तो तुमको अलग रूटीन बनाना पड़ेगा, तुम सुबह जल्दी पढ़ते हो या पार्शियल ड्रॉपर हो तो तुमको अलग रूटीन बनाना पड़ेगा। मैं एवरेज किसी इंसान का रूटीन बताता हूँ, टाइम तुम अपना सोने उठने का आगे पीछे कर सकते हो, इतने घंटे का मुझे पढ़ाई चाहिए बस। ठीक है, तो सपोज मान लो कि तुम 7 बजे सुबह उठे, उठ के जो तुम्हारा पॉटी शुशु जो कार्यक्रम करते हो, नहाओ नहीं नहाओ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 7 से 7 बजे उठे, 8, 9, 9:30 के आसपास आपने तामझाम करके, मतलब 1.5 घंटे में तुम रेडी हो जाओ 8:30 तक रेडी हो गए पढ़ने के लिए। अब ये जो 8:30 AM वाला जो टाइम है ना, सबसे कैसे, तो जो तुम 8:30 AM रेडी हुए, अब यहां पे 8:30 AM से 9:30 AM या 9 AM तक ही करो, 9:30 AM मत करो। ठीक, 9 AM तुमने क्या किया, तुमने मेमोरी वाली चीजें, जैसे मान लो प्लांट फैमिली से तुमको याद नहीं हो रही, जो याद नहीं हो रहा, जो याद नहीं हो रहा, एक छोटा सा टॉपिक ले लो उसको इस टाइम पे पढ़ो। ठीक है, और एक सब टॉपिक को 2 से 3 दिन का टाइम दो जब तक तुमको याद नहीं होता। ठीक, तो जो याद नहीं हो रहा उसको ऐसे इस टाइम पे पढ़ो। ठीक है, सबसे अच्छा टाइम होता है जब तुम्हारा ब्रेन खाली होता है, यू आर प्रॉपरली फेड, और तुमको बहुत जल्दी याद होगा। मतलब मान लो कि तुम रात में पढ़ रहे हो तो तुमको अगर 2 घंटे लग रहे याद करने में, तो यहां पे तुम वो काम आधे घंटे में कर लो, इतना डिफरेंस होता है। तो दिस इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। ठीक है, उसके बाद आप जहां भी लेक्चर लगा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हैं, चाहे आप कोई भी देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं, लाइव देख रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कहीं पे भी देखें तो 9:30 AM टू 11:30 AM ये लगा लो तुम्हारा लेक्चर वन, या तुम स्लॉट वन कह लो। ठीक है, अब यहां पे बहुत लोग बोलते हैं हम पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ते हैं, हम फलना करते हैं ठिकाना करते हैं, बेटा 2 घंटे तुम पढ़ लेते हो। ठीक है, तुम्हारा इतना खराब बुद्धि नहीं है कि तुम 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ोगे, अगर तुम 2 घंटे बैठ नहीं पाते हो कुर्सी पे तो फिर क्या टॉपर बनोगे। तो 2 घंटे तुम पढ़ सकते हो, लेक्चर वन का स्लॉट रखो, ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हो सकता है, रेटाफिकेशन हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आधे घंटे का टहलो लो, ब्रेक वेक लो। ठीक है, और कुछ हल्का खा पी लो या कुछ खा लो, 1 घंटे का तुम पूरा ब्रेक और ईटिंग टाइम रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए सेकेंड स्लॉट के लिए, 12:30 PM टू 1:30 PM यहां पे लगा लो लेक्चर टू। मैं क्यों लेक्चर तुम्हें पहले निपटाने कहता हूं, ताकि तुम्हारा जो रट्टाफिकेशन वाला काम है या तुम्हारा जो लेक्चर लेने वाला काम है वो पहले खत्म हो जाए, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो इससे ज्यादा एक दिन में लेक्चर ना करें। अब तुम चूज कर लो कि तुमको किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्स होगा तुम्हारा, ये सोर्स तुम पढ़ लो। ये सोर्स कोई पेड बैच भी हो सकता है, ये सोर्स कुछ यूट्यूब भी हो सकता है, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है ना। और ये हो सकता है कि तुम्हारे सोर्स का टाइम तुम्हारे बैच टाइम टेबल के साथ नहीं मैच करे, कोई बात नहीं, तुम एक दिन पीछे चल लो ना। अगर सपोज मान लो मैंने मंडे को ये पढ़ाया, तुम ट्यूजडे से मेरा रूटीन फॉलो कर लो, ट्यूजडे को मंडे का पढ़ लो, तो वैसे करके तुम अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सहूलियत पे रख सकते हो। ठीक है, 1:30 से 2:30, 3 बजे तक तुम आराम से चिल करो। ठीक है, लंच कर लो, याद रखना डू नॉट स्लीप, लोग कहते हैं एक नैप ले लो। ठीक है, डू नॉट स्लीप बिटवीन इन डे टाइम, अगर ये आदत तुम्हारी लग गई ना बेटा ठंडी में तो तुम्हारी लग जाएगी, डे टाइम में तुमको नहीं सोना है। ठीक है, थोड़ा टहल लो, ज्यादा है चाय पी लो, कुछ भी कर लो, बट दिन के टाइम में, दोपहर में मत सो। ठीक है,
अटर वेस्ट ऑफ टाइम है, ऊपर से आपके अंदर निगेटिविटी आता है, तो डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। प्लस आपका एग्जाम दोपहर में होगा 2 से 5:30, है ना, तो उस टाइम पे अगर तुम मान लो बोलो नहीं नहीं सर मैं तो 11 बजे सो जाता हूँ, तो यार तुम्हें नींद तो आएगी ना, तो डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सेकेंड शिफ्ट के पास, तो तुम्हारा 1:30 से 2:30 बजा, 2:30 के बाद उसके बाद तुम 3 बजे यहां बैठो PM to 5 PM। अब यहां प्रैक्टिस स्लॉट वन रखो, अब यहां पे तुमको प्रैक्टिस स्लॉट वन। अब याद रखना ये जो 2 घंटे का प्रैक्टिस स्लॉट है, आप बोलोगे कि 2 घंटे मैं फिजिक्स के सवाल ही सिर्फ सॉल्व करूं, लग जाएगी तुम्हारी। बैलेंस आउट अगेन, यहां प्रैक्टिस स्लॉट में भी तुम बैलेंस बनाना कि मुझे एक कॉन्सेप्चुअल रखना है और एक तुम्हारा रट्टाफिकेशन या थ्योरी, मतलब अगर बायो का क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ इजी क्वेश्चन कर लो कुछ ऐसे करके, है ना, उस तरह से बैलेंस करके 3 से 5 का स्लॉट तुम यहां के लिए रखो, ठीक है। 5 बजे से 7 बजे तक फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी कर लो, थोड़ा भाग लो, थोड़ा पुशअप्स कर लो, थोड़ा दौड़ लो, कुछ भी कर लो, हल्का हल्का 1 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज जरूर से जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। कहीं भी भाग लो, साइकिल चला लो, पीजी में रहते हो पीजी के चारों ओर चक्कर मार लो, ठीक है, ग्रोसरी का सामान वामान लाना है दूध लाने चले जाओ, कुछ बाहर निकलना जरूरी है, तो फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। टक 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 ये वाला ब्रेक मत लेना, ब्रेक मतलब योर आईज शुड सी द रियल वर्ल्ड नॉट दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ये फिजिकल एक्सरसाइज करो और उसके बाद पैर हाथ धो के 7 बजे के आसपास वापस आओ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्लॉट लगाओ 7 PM to 9 PM, ये तुम्हारा प्रैक्टिस स्लॉट टू, ठीक है। ये स्लॉट टू में क्या करना है तुमको, पहला कि जो बचे हुए तुम्हारे जो टारगेट है वो प्रैक्टिस करोगे। दूसरा स्लॉट टू में तुमको क्या करना है सर, दूसरा स्लॉट टू में तुम्हारा अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो तुम वो डाउट निकालोगे। तीसरा जो कुछ भी अभी तक प्रैक्टिस में तुमने देखा तुमसे नहीं बना कहीं गलती हो गया उन सबको मिस्टेक नोटबुक में रख लो, ठीक है। और ये तुम्हारा थर्ड, तुम्हारा फोर्थ स्लॉट हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां तो 8 घंटे ही हुए, ठीक है, चौथा स्लॉट, ठीक है। उसके बाद तुम क्या होगे बेटा, उसके बाद तुम आ जाओगे 9 से 10 तुम्हारा डिनर विनर किए, जब बिस्तर पे जा रहे हो तो 10:00 PM to 11 PM, इससे कम भी टाइम लगेगा, यहां पे लगा लो स्लॉट 4। और इस स्लॉट 4 में तुमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक नोटबुक से ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक नोटबुक से ही पढ़ना, जो भी तुमने पढ़ा उसको पढ़ लो, प्लस कुछ आज की क्लास में समझ नहीं आता उसको रिव्यू करना है तो वो रिव्यू। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्यों 1 घंटे का बफर दिया कि कहीं पे तुम थोड़ा कम ज्यादा करोगे तो मैनेज रहेगा तुम्हारा, ये पूरा शेड्यूल मैनेज कर लोगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो आधे घंटे 1 घंटे का बफर मैंने तुम्हारा इसीलिए दिया है कि जिससे आप ये पूरा शेड्यूल मैनेज कर पाओ, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है मंडे टू सैटरडे, और संडे आपको जो लेक्चर के स्लॉट है वहां पे टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो संडे को आपको क्या करना है, आप उठिए, ठीक है, सेम रूटीन फॉलो कीजिए, 9 AM to 11 AM रिवीजन स्लॉट, या इसको बैकलॉग के लिए रख लो, सुबह बैकलॉग कर लो, ठीक है। सुबह वाला जो टाइम है वो तो तुम कर ही रहे हो 8:30 से 9 जो भी है, तो ये बैकलॉग के लिए रख लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 12 PM to 1 PM एक और बैकलॉग का स्लॉट रख लो, ठीक है। 1 बजे कुछ खाओ पियो जो भी करना है, और उसके बाद 2 PM to 5 PM बेटा कोशिश करना 3 घंटे में टेस्ट देने का, 3 घंटे 20 मिनट में टेस्ट देने का नहीं, ठीक है। आप टेस्ट दीजिए,
अपने से चूज कर लो 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन का टेस्ट दो और 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करो विथ OMR फिलिंग। ठीक है, टेस्ट दिया तुमने, अब जाओ घूम फिर के आ जाओ। ठीक है, फिर 7 PM बैठो टू 9 PM। तो अब क्या करेंगे हम इस टाइम पे सर? तो एनालिसिस जो है मेरा पूरा टेस्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे और जो मेरे वीक लिंक है इसका रिवीजन करेंगे, जो मेरे वीक लिंक है इसका रिवीजन करेंगे। और संडे थोड़ा लाइट रखो और आराम से सो। ये पैटर्न तुम अगर फॉलो कर लेते हो फॉर द नेक्स्ट 150 डेज तो तुम्हारा नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तुम खुद से बताओ कि होगा या नहीं। अब क्या सर ऐसा कोई कोर्स है जिसको मैं इसी सीक्वेंस में फॉलो कर लूँ और मेरा एग्जाम भी क्रैक हो जाए, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए? तो जी सर, इसका एक कोर्स है मेरे पास जिसका नाम है निश्चय क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स नाम देके ये मत समझना कि भाई यहां पे तो सर भगाया जाएगा, मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल पे। बेटा कोर्स इसी तरह से डिजाइन किया है, 1500 घंटे के मॉड्यूल से ही डिजाइन किया गया है कि आपका सिलेबस कंप्लीशन रिवीजन सब कुछ हो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था सेम, एक दिन में 2 क्लास वहां यहां भी होता है शेड्यूल, जैसे 9:30 AM टू 11:30 AM एक क्लास होती है और फिर उसके बाद 12:30 PM टू 2:30 PM दूसरी क्लास होती है। तो 2 लेक्चर आपने लगाए, उसके बाद आपको इन्हीं लेक्चर के DPPs दे दिए जाते हैं और DPP का वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया जाता है। कोई टाइम हम नहीं रखते हैं कि इसी टाइम पे डिस्कशन करेंगे, नहीं, इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाता है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसका सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देखे, आपका टाइम बचे। फिर जब लेक्चर कंप्लीट होता है आपका, जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 चीज यहां पे और दिया जाता है। क्या सर? पहला एग्जाम ड्रिल, जो उस टॉपिक का पूरा टेस्ट है। ठीक है, दूसरा PYQ और एग्जाम्पलर, कि आप पूरा उस चैप्टर का PYQ और एग्जाम्पलर कंप्लीट कर ले। ठीक है, और इनके भी वीडियो सॉल्यूशन, ताकि तुम कहीं डाउट हो तो इस वीडियो सॉल्यूशन को देख ले। तो तुम्हारा ये पूरे चैप्टर की एक प्लेबुक खत्म हो जाती है और यही सिलसिला आपका मंडे टू सैटरडे चलता है। संडे को हम लोग सेम काम करते हैं, संडे को तुम्हारे लिए वीकली टेस्ट रखते हैं। अगेन ये टेस्ट तुम्हारा 2 PM टू 5 PM होता है। यूजुअली पहले 2 वीक के टेस्ट तुम्हारे छोटे होते हैं, बाकी फिर टेस्ट हम बढ़ा देते हैं। तो वीकली टेस्ट 2 to 5 PM आपने दिखा, इसका भी वीडियो आपको मिल जाता है जिससे आपके इसके भी डाउट सॉल्व हो जाते हैं। सबको कंपाइल करके तुम मिस्टेक नोटबुक में रखो और संडे को बैकलॉग क्लियर कर। ठीक है, तो यही सेम प्लान हम लोग भी आपके लिए यूज करते हैं। कैसे इनरोल कर सकते हैं सर इस बैच में? तो इनरोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, डॉक्टर आनंद मनी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, या फिर आप आनंदमनी.in वेबसाइट खोल लीजिए, ANANDMANI.in। आपको वहां पे निश्चय क्रैश कोर्स दिख जाएगा और इस क्रैश कोर्स की प्राइस हमने बहुत ज्यादा सस्ती रखी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जितनी चीजें मैंने बताई सब कुछ 999 रुपीज में रखा है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट। बाद में इसकी प्राइस हम 1499 कर देंगे फॉर नेक्स्ट 500 स्टूडेंट्स और इस बैच में हम सिर्फ 1000 बच्चे। आप इस बैच को एनरोल कर लीजिए। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17th of December से। तो बोलोगे सर तब तक हम क्या करें? तब तक सर आपको कुछ चीजें कंप्लीट कर लीजिए मेरे YouTube वाले प्लेलिस्ट से। क्या? बेसिक मैथ्स, वैसे आपको वहां भी पढ़ाया जाएगा बट आपका ये जितना स्ट्रांग अभी हो जाएगा उतना अच्छा। फिजिक्स का बेसिक मैथ्स खत्म कर लो। ठीक है, उसके बाद मेरी डिटेल्ड NCERT रिव्यू की प्लेलिस्ट है यहाँ पे, मेरी डिटेल्ड NCERT रिव्यू की प्लेलिस्ट है। जितने रट्टाफिकेशन चैप्टर हैं उसके लिए NCERT रिव्यू सफिशियंट है। तो उन चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करके
आप इस क्रैश कोर्स में पढ़ के सिस्टमैटिक तरीके से 650 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। बट सैडली इतना कुछ कहने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, आप में से सिर्फ 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप इन 150 दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। 150 छोड़ो, तुम 100 दिन भी इसमें कंसिस्टेंसी दिखा दो और मेरे से 100 डे चैलेंज ले लो, 100 डे चैलेंज ले लो। और अगर इन 100 दिन के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको मुझे कुछ भी बोलने का हक है, ठीक है? 100 डे चैलेंज मतलब सिलेक्शन गारंटीड। तो बताओ कमेंट सेक्शन में, और ये नहीं है कि कमेंट करने के लिए मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 100 डे चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं या नहीं, ठीक है? ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको ट्रू इनसाइट पता चला होगा कि आखिर पढ़ना कैसे है। आई होप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और उनको गुमराह होने से बचाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।